बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीमेंट मॉर्टर में 1.27 क्या है। अक्सर हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए 1.27 इस्तेमाल करते हैं। जब भी बिल्डिंग में किसी भी वॉल की प्लास्टर की क्वांटिटी निकालते हैं तो उसमें हम वेट मॉर्टर पहले निकालते हैं। वेट मॉर्टर निकालने के बाद हम उसको ड्राई मॉर्टर में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम ड्राई मॉर्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.27 करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे कि 1.27 क्या है, 1.27 हमारे पास कैसे आता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक क्यूब है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है और हाइट 1 मीटर है। इसमें जो वाटर की रेशियो है वो 27% है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ये सीमेंट और सैंड है और ऊपर ये 27% जो है वो वाटर रेशियो आती है। क्योंकि जब भी हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होगा तो उसमें जब भी हम पानी डालेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, तो उसमें जो खला होते हैं वो फिल करने के लिए पानी उसके अंदर घुसता है, इसलिए इसके लिए 27% जो रेशो रखी गई है। कंक्रीट के अंदर 54% है। जो सीमेंट मॉर्टर है इसमें, क्योंकि कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट के बड़े बड़े ज़रात होते हैं और उसमें खला ज़्यादा होता है, इसमें सैंड है तो सैंड में खला बहुत कम होते हैं, इसलिए 27% रखा है। सबसे पहले हम वेट वॉल्यूम मालूम करेंगे। वेट वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, वेट और हाइट हमारे पास मौजूद है, तीनों ही 1:1 है। 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1 m³ आ जाएगा। उसके बाद ड्राई वॉल्यूम हम मालूम करेंगे। ड्राई वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं? ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 27% ऑफ वेट वॉल्यूम, जैसा कि ये पहले बात की 27%। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम हमारे पास 1 m³ है प्लस 27% है, परसेंट को हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 27 / 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 27% ऑफ वेट वॉल्यूम है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1 + 0.27 × 1। इस तरह हमारे पास ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.27 m³ आएगा। तो ये प्रूव हो चुका है कि जब भी हम सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करेंगे मॉर्टर में तो हम ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.27 मल्टीप्लाई पे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।